सब्सक्राइब कीजिए TechG99 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे पता ही है एक वेक्टर इमेज बनाना यहाँ पे कितना मुश्किल काम है। और दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर इमेज बनाने के लिए आपको बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे एडिटिंग भी आना चाहिए और ये बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको ऐसा एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जस्ट वन क्लिक में एक मिनट के अंदर अंदर आप एक वेक्टर इमेज बना सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को भी आप एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक में बैक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे TuneMe। तो दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में स्विच करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन खोल के यहाँ पे एप्लीकेशन का इंटरफेस थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे खोलते ही दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे टून इफेक्ट, उसमें आप चले जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो यहाँ पे प्रीसेट्स है आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया जो प्रीसेट्स वगैरह है वो आपको मिल जाता है, जो यहाँ पे सारा जो यहाँ पे लेटेस्ट सोशल मीडिया एडिटिंग है वो यहाँ पे आपको प्रीसेट के तौर पे यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एडिटिंग वगैरह का जरूरत नहीं है, जस्ट वन क्लिक में आपका फोटो वैसे के वैसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का जो एल्गोरिदम है वो मुझे काफ़ी यहाँ पे पर्सनली अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा प्रीसेट्स फिलहाल है इस एप्लीकेशन में। तो पर्सनली ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रीसेट्स आपको मिल जाता है, सारा जो यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे सोशल मीडिया यहाँ पे फोटो वगैरह है सब ये आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर इमेज का जो प्रीसेट्स है वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे आपको प्रीसेट्स वगैरह थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, पर्सनली दोस्तों यहाँ पे वेक्टर इमेज के मामले में मुझे इस वाला जो प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस वाला प्रीसेट का जो यहाँ पे वेक्टर इमेज का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली आप एक इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो प्रोसेसिंग में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग होने तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये एक पेड एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन अभी प्रो मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसा एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आपको इस एप्लीकेशन का कोई भी प्रो वगैरह नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सिंपली इसे आप जो यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे क्रॉस आइकन है उसे सिंपली क्रॉस कर दीजिए। फिर दोस्तों, यहाँ पे एक ऐड आएगा, तो थोड़ा आपको ऐड यहाँ पे देख लेना है। फिर आप दोस्तों यहाँ पे ऐड को भी क्रॉस कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटो है वो रेडी हो चुका है। तो इसे आप अपने गैलरी में भी आप सेव कर सकते हैं, ऊपर जो थ्री डॉट है उसमें जाके यहाँ पे सेव टू डिवाइस करेंगे तो यहाँ पे फोटो सेव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं एक छोटा सा वाटरमार्क आ रहा है, तो आप वाटरमार्क के बिना यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप एक स्टेप बैक कीजिए और दोस्तों इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये वाला इमेज आपको गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे फ्री में यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो प्लस आइकन है उसमें क्लिक करके आप इस फोटो में और भी ज़्यादा एडिटिंग कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन में आपको थोड़ा दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे यहां पे डिजाइन आपको मिल जाता है। तो इसमें से दोस्तों मैं एक डिजाइन आपको लेके यहां पे दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जब आप कोई इफेक्ट चॉइस करेंगे उसमें भी थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, तो थोड़ा प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे फोटो रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का बना है इमेज। तो और भी ज़्यादा यहाँ पे और भी जो प्रीसेट्स है मैं आपको दिखा देता हूँ इफेक्ट वगैरह। तो ये वाला इफेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो आप पर्सनली अपने हिसाब से यहाँ पे फोटो एडिट कर पाएंगे जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे। तो एडिटिंग के मामले में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है ये एप्लीकेशन। तो सिंपली यहाँ पे बैक कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे और एक जो प्रीसेट्स है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सोशल मीडिया पे शायद इस तरह का फोटो बहुत देखा है आप लोगों ने। तो ये वाला जो प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे। इस प्रीसेट का जो एल्गोरिदम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे और एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक, तो ये वाला इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये फोटो बन चुका है, तो कितना बढ़िया बना है फोटो। तो दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वाला एप्लीकेशन अभी कैसा लगा, और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरा यहाँ पे एक सेकंड चैनल भी है, तो उस चैनल में आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है, तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कीजिए, आपको और पसंद आता है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पे। नमस्कार।